तहत कांग्रेस ने तलैया से घटलापुरा तक पैदल मार्च निकाला और इसमें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा, एमपी के कांग्रेस प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला और सुप्रिया श्रीनेत शामिल हुई। इसके जरिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के बारे में बताया। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर कहा कि मोदी की गारंटी पहले ही फेल हो चुकी है, जनता को बीजेपी पर भरोसा नहीं है, अब जनता कांग्रेस के साथ दिवाली मनाएगी। देखिए बिल्कुल इस बार कांग्रेस अलग तरीके से काम कर रही है और अब की दिवाली कांग्रेस वाली इस मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। खासतौर से 11 गारंटियां हैं। नीता डिसूजा जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जो कांग्रेस की दिवाली है, क्या लगता है, हम देख रहे हैं अलग अलग महिलाएं हैं, अलग अलग महिलाओं जुड़ी योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कितना भरोसा पब्लिक करी? पब्लिक का प्यार और भरोसा है जो आपको दिख रहा है कि दिवाली, छोटी दिवाली के दिन, कल दिवाली है, फिर भी ये विश्वास के साथ महिलाएं पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस जुलूस पे निकल रहे हैं, ये विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों जो है वो कांग्रेस के राज में खुशहाली होगी और दिवाली आपके बाद 5 साल जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाओं के हित में, बच्चों के हित में, किसानों के हित में, युवाओं के हित में। प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला जी, उनसे बात करेंगे। सर इस बार 11 गारंटी के साथ जा रहे हैं, लेकिन दिवाली कांग्रेस वाली, अब की दिवाली कांग्रेस वाली, महिलाओं का सुरक्षा चक्र, जब बेटियां पैदा होंगी 2,51,000 रुपया, जब वो स्कूल जाएंगी 1,500 रुपया, जब बेटी की शादी होगी तो 1,01,000 रुपया, जब बेटी गृहस्थी बसाएगी तो 1,500 रुपया महीना, हारी बीमारी हो जाए तो 25 लाख का पारिवारिक बीमा, 10 लाख का एक्सीडेंट बीमा। इसीलिए हमने कहा अब की दिवाली कांग्रेस वाली। बीजेपी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी हो रहा है, उसमें पंच दिया है कि मोदी की गारंटी और बीजेपी का भरोसा। मोदी की गारंटी तो एक्सपायर हो चुकी, 15-15 लाख कहाँ है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, लागत पर 50% मुनाफा किसान को MSP का कहाँ है, जो मोदी की गारंटियां हैं वो तो सब एक्सपायर हो चुकी है। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।